हेलो डिफेंस लवर्स, आप सभी का स्वागत है डिफेंस ज्ञान डॉट कॉम पर। और आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी AASSR के एग्ज़ाम को लेकर। देखिए दोस्तों, जो इंडियन नेवी का AASSR के एग्ज़ाम रहता है उसका सिलेबस हम सभी को पता है कि यहाँ 100 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। 100 क्वेश्चन, चार सेक्शन होते हैं, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और GS। ठीक सर, 25 25 25 25 सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। आपको सेक्शन मान के चलिए आपका क्या रहता है, कैलकुलस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2D 3D वेक्टर मान के चलिए आप। अगला आपका आता है कौन सा, ट्रिगो, फिर एलजेब्रा, ठीक है, कैलकुलस हो गया, 2D 3D वेक्टर, ट्रिगो, एलजेब्रा, और आपका इसके साथ साथ कभी कभी क्या PNC प्लस प्रोबेब आप ध्यान पे रखिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी वेटेज वाले। इसमें फिजिक्स आप ध्यान रखिए, फिजिक्स, ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गई आपकी, प्लस केमिस्ट्री हो गई, डेली केमिस्ट्री आती है इसमें और कुछ नहीं आता, फॉर्मूलाज वगैरह पूछ लेगा कुछ। सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज रहता है 10 से 15 के आसपास, ये 6 क्वेश्चन ये बनते हैं आपके, और आपके मान के चलिए कभी 5 कभी 6 कभी 8 मैक्सिमम तक पहुँचते हैं। बायो के क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी से लेके न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिंस को लेके, विटामिंस के आपको पूछ देगा कि विटामिन सी के आपको साइंटिफिक नेम पूछ देगा या फिर किसी की pH वैल्यू वगैरह पूछ देगा, सडन लाइक दैट। अब हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन क्या रहता है, सब प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से हमेशा 3 क्वेश्चन बनते हैं इनके, और कंजक्शन लेके चलिए, कंजक्शन के 2 क्वेश्चन हमेशा आएंगे आपको, और आपका इसके बाद एक कॉम्प्रिहेंशन आपको पक्का मिल जाता है जो 4 होते हैं इसमें, और बाकी आपके वोकैब का जो सेक्शन है वो हो गया, 2 क्वेश्चन वोकैब के मिल जाएंगे। आर्टिकल्स हो गया, आर्टिकल्स के 2 मिल गए आपको, आर्टिकल 2 मिल गए आपके मान के चलिए, तो ये हो गया 5, 4, 9 to 11, 11 to 13। और इसके बाद आपके द वॉइस प्लस नरेशन प्लस टेंस के क्वेश्चन काफ़ी रहते हैं, फिलर्स हो गए, जो वर्ब हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अगला आपका आ रहा है GS। GS के सेक्शन में हमेशा हम लोग GO पे फोकस ज़्यादा आता है, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के बन जाते हैं इसमें, रीजनिंग के भी 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, और CA हो गया आपका, CA काफ़ी ज़्यादा आता है इसमें, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बहुत रहते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत कम आती है, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी मान के चलिए लगभग ना के बराबर आती है, तो ज्योग्राफी हिस्ट्री हो गई आपकी, अपॉरिटी हो गई, तो रीजनिंग काफ़ी आते हैं क्वेश्चन, CA हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, बुक्स हो गई, ऑथर्स हो गए, प्राइज हो गया, अवार्ड हो गया आपका, प्राइज एंड अवार्ड्स, ये हो गया आपका GS का सेक्शन आ गया। ये इंग्लिश हर किसी के सेक्शन तो हो गए। अब देखिए दोस्तों, कुछ इंपोर्टेंट चीज़ आप ये सॉल्व तो कर लेंगे, बट आफ्टर दैट आपके जो डाउट्स होते हैं, डाउट्स क्लियरेशन के लिए आप लोग हर कोई पूछता रहता है कि सर कोई ऑफलाइन बैच है तो मुझे बताइए, कोई कोचिंग है, ये कोचिंग ज्वाइन करो तो कैसा रहेगा। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको एक कोचिंग जिसका नाम है KDA एजुकेशन, जहाँ पर आपको डेली मॉक टेस्ट मिलेंगे, और साथ साथ में आपको वहाँ पर जो बैचेस की स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी छोटी है, यानी मान के 10 से 15 के अब आपको वहाँ स्टूडेंट्स मिलेंगे, जिससे आप पे प्राइमरी आप पे फोकस ज़्यादा रहेगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आपके वीकर सेक्शंस पे आपको ज़्यादा जोर दिया जाएगा, उसकी सारी डिटेल्स के लिए एजुकेशन की सारी डिटेल नीचे मैंने लिंक में मेंशन कर दी है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको इस चैनल से इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।